नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। वैसे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की लगातार कहीं न कहीं बेइज्जती होती ही रहती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अपना अमेरिका दौरा करके वापस लौटे हैं। इस बीच पूरी दुनिया सहित पाकिस्तान ने देखा कि कैसे पीएम मोदी का जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, हालांकि ये पाकिस्तान को फूटी आग भी नहीं भाया है। वहीं अब बाइडेन की ओर से अब तक इमरान खान को फोन नहीं करने पर व्हाइट हाउस का रिएक्शन सामने आया है। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि बिजी राष्ट्रपति बाइडेन ने उनसे फोन पर बात करने की अब तक जहमत भी नहीं उठाई। हालांकि वाशिंगटन को अफगानिस्तान को स्थिर करने में पाकिस्तान का समर्थन चाहिए था, तो वहीं अब इस पर पहली बार व्हाइट हाउस ने अपना बयान दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बताया कि रूटीन ब्रीफिंग के दौरान क्या बाइडेन की ओर से इमरान खान को जल्द ही फोन किया जा सकता है। इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास इस समय भविष्यवाणी करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो हमें कॉल करते हैं तो हम निश्चित रूप से इसे आप सभी को पढ़कर सुनाएंगे। इसके साथ ही प्रेस सचिव ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर बातचीत हो रही है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।